आपने सभी को काम काज करते देखा है। कोई तो काम सिंसियरली करता है, लेकिन कोई आलस्य कर जाता है। इस कहानी में भी ऊंट को एक आलसी जीव बताया है और उसका उसे क्या परिणाम मिलता है, आइए जानते हैं। इस चैप्टर का नाम है हाउ द कैमल गॉट इट्स हम, और रुडयार्ड किपलिंग ने ये लिखा है। वो कहते हैं, शुरू में जब दुनिया का नया निर्माण हुआ और मानव मालिक बन बैठे, उनके लिए जानवरों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। उसी दौरान रेगिस्तान में तेज हवाओं के बीच एक ऊंट रहा करता था, क्योंकि वह आलसी था, वह काम नहीं करना चाहता था, और रेगिस्तान उसने इसीलिए चुना ताकि उस तक कोई पहुंच ही ना पाए। वो केवल खाता और बैठा रहता था, और कोई उससे बात करता भी तो हम करके आवाज निकाल दिया करता था। सोमवार से जब जानवरों ने अपना अपना काम शुरू किया मानव मालिक के लिए, घोड़ा उस ऊंट के पास पहुंचा और सैडल देते हुए, सैडल का अर्थ है जीन जो घोड़े के पीठ पर तानी जाती है, उसे देकर दिखाकर ऊंट से कहा, चलो ऊंट भैया सैडल पहनो और काम पे चलो। उस ऊंट ने हम की आवाज निकाली, लेकिन उठा नहीं, बैठा ही रहा। बेचारा घोड़ा वहां से चल दिया और अपने मालिक से आकर उस घटना के बारे में बताया। घोड़े ने ऊंट से कहा, आओ हमारे साथ ट्रॉट करो, हमारे साथ चलो, हमारे साथ काम पर चलो, लेकिन फिर भी वो ऊंट नहीं हिला था। उसके बाद उसके पास कुत्ता आया, जिसने अपने मुंह में एक लकड़ी दबा रखी थी, और उस लकड़ी को दिखाते हुए ऊंट से कहा, चलो भैया सामान बटोरे और अपने मालिकों के पास ले चले। उस ऊंट ने फिर हम की आवाज निकाली और नहीं उठा। वो कुत्ता भी अपने मानव मालिक के पास पहुंचा और उसने उसकी शिकायत कर दी। तीसरा जानवर बैल उसके पास आया और अपने कंधे पर एक हल लेके आया और ऊंट से कहा, आओ भैया हल जोते, खेत जोते, हल चलाएं और कुछ काम करें। ऊंट का जवाब वही था, हम करके उसने ध्वनि निकाली और फिर बैठ गया, लेकिन काम करने नहीं उठा। बेचारा ऑक्स बैल भी मानव मालिक के पास पहुंचा और उससे शिकायत की। मानव ने कहा, क्योंकि ऊंट बहुत आलसी नजर आ रहा है, और यदि आलसी न होता तो वो अभी तक मेरे पास आ गया होता। इसलिए मानव मालिक ने कहा, देखो तीनों को ही मिलके काम करना होगा, और ऊंट ने जो काम नहीं किया उसे तुम्हें ही दुगना काम करके पूरा करना होगा, क्योंकि समय उस ऊंट की वजह से काफी नष्ट हो चुका है। ये बात सुनकर तीनों जानवर बहुत नाराज हुए और उन्होंने एक सभा बुलाई, रेगिस्तान के किनारे बैठ गए और विचार विमर्श करने लगे। तभी ऊंट वहां जुगाली करता हुआ आया, उन्हें देखकर हंसा, उनकी हंसी उड़ाई और हम की ध्वनि निकालकर आगे बढ़ गया। इस पर उन तीनों को अत्यधिक गुस्सा आया और वो बैठ के बात कर ही रहे थे कि जब रेगिस्तान का मालिक जिन वहां आ पहुंचा और रेत से ढके हुए कपड़ों में छुपा बैठा था। उसे देखते ही घोड़े ने कहा, जिन महाराज, क्या ये अच्छी बात है कि कोई तो आलसी बैठा रहे और दूसरे अन्य काम करते रहे? जिन ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, सभी जीवों को काम करना चाहिए। उसने कहा कि एक जीव है आपके ही रेगिस्तान में, जो बीचों बीच रेगिस्तान में बैठा रहता है और कुछ काम नहीं करता, केवल हम की ध्वनि निकाल देता है। घोड़े ने कहा जिन से
कि मैंने वो सूंड से कहा कि चलो मेरे साथ ट्रॉट करते हुए कुछ काम कर ले, लेकिन वो नहीं माना। बैल ने भी कहा कि मैं भी उसके लिए हल लेके आया था ताकि उसे उठा के हम खेत जोत सकें, लेकिन उसने फिर केवल की ध्वनि निकाली और बैठा रहा, लेकिन काम पे नहीं चला। जिन ने सोचा क्या बात है, ये किस जीव के बारे में बात कर रहे हैं, उसने कहा ओहो वो जीव, वो ऊंट जो कि रेगिस्तान के बीच में बैठा है, वो तो मेरा ही ऊंट है। अच्छा मैं देखता हूँ और मैं उससे काम कराने का प्रयास करता हूँ, मुझे कुछ समय दे दो। और जिन वहां से चल दिया। उसी रेत के कपड़ों से ढका हुआ वो जिन टहलते हुए ऊंट के पास पहुंच गया और वहां जाके देखा कि ऊंट पानी के कुंड के सामने खड़ा हुआ है और अपना चेहरा अपनी पीठ निहार रहा है। जिन ने कहा भाई मैं ये क्या सुन रहा हूं तुम्हारे बारे में कि तुम तो कुछ काम ही नहीं करते। ऊंट ने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया, हो सकता है वो अपने आप को निहारता हुआ खो गया था अपने ख्यालों में। जिन ने तुरंत बोला कि भाई तुम्हें भी कुछ काम करना चाहिए, ये हम की ध्वनि निकालना ठीक नहीं है, अब अगर एक बार और ये ध्वनि तुमने निकाली तो ठीक नहीं होगा। ऊंट जो अपने आप को अभी भी निहार रहा था उसके मुंह से अनायास ही निकल गया हम। अब जिन जो उसका मालिक ही था बहुत गुस्सा हुआ और उसने कहा अच्छा अब मैं देखता हूँ। और जैसे ही उस ऊंट ने अपनी छवि पानी में देखी, उसने देखा कि उसकी सुंदर सुडौल पीठ जिस पर वो बहुत गर्व करता था धीरे धीरे एक कूब के समान ऊंची उठ रही है और वो जो हम की ध्वनि थी वो उसकी पीठ पर उभर के आ गया, जिसे हम आज अंग्रेजी में हम बोलते हैं। ऐसी छवि देखकर ऊंट घबरा गया और तुरंत उसने जिन की तरफ देख के कहा ये क्या है। जिन ने कहा क्यों सोमवार से और आज गुरुवार हो गया है, 3 दिन तक तुमने कोई काम नहीं किया और अब इस कूप को लेकर ही तुम काम पर जाओगे, मुझे कुछ नहीं सुनना। ऊंट ने कहा जिन साहब मैं कैसे जा सकता हूँ ये कूबड़ लेके। जिन ने कहा कोई बात नहीं, ये कूब एक पर्पस से दिया गया है, एक एम है, एक लक्ष्य है, क्योंकि तुमने 3 दिन काम नहीं किया तो ये कूब तुम्हारे लिए 3 दिन तक सहारा बन के रहेगा और तुम्हें खाने पीने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और वो 3 दिन जो तुमने गंवाए अब ये 3 दिन डट कर काम करना होगा और जितने भी तुम्हारे संगी साथी हैं उन सब के साथ अच्छे ढंग से पेश आना होगा। बेचारा ऊंट क्या करता, जिनका कहना उसे मानना ही पड़ा और वो उन तीनों जानवरों के साथ जाकर मिल गया। और उस दिन से और आज तक हम ऊंट की पीठ पर वो हम वो कुबड़ देखते हैं, जिसकी वजह से उसको काम करना प्रारंभ करना पड़ा। और यही सीख हमें इससे मिलती है कि हमें आलस्य त्याग देना चाहिए, हमें अपना काम सही समय पर कर लेना चाहिए ताकि हमें आगे पछताना न पड़े, क्योंकि जो बीत गया है समय वो हमारे हाथ कभी नहीं आएगा, ये हमें ध्यान रखना चाहिए।